सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने लखीमपुर खीरी में 293 करोड़ की लागत से बने 3 फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कौशाम्बी में राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ विरोध। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने घेराव और हमला कर काला कपड़ा दिखाया। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जीवाड़े करने वालों पर गिरी गाज, 2 अधिकारी निलंबित। लखनऊ के वलीहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के बाद आरोपी गाड़ी और राइफल छोड़कर हो गए थे फरार। कानपुर में 9 साल के बच्चे की पीट पीट कर हत्या। सौतेली मां ने बच्ची को उतारा मौत के घाट। आरोपी सौतेली मां के खिलाफ FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाड़े को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है। वहीं सीएम के आदेशों के बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को जांच के लिए बलिया भेजा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जो निर्धन परिवारों की मदद करती है, ऐसी सभी कन्याओं को सम्मान देती है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से ये योजना संपादित हो रही है। बलिया में एक शिकायत आई कि लगभग 537 ऐसे विवाह हुए हाल में, और उसमें शिकायत ये हम लोग को मिली कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, लेकिन वो केवल इस आर्थिक लाभ को लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं और गलत तरीके से उन्होंने आवेदन प्राप्त किया। इस शिकायत पे एक जांच समिति का गठन किया गया और साथ साथ जो 35,000 रुपये भुगतान किए जाते हैं उनको तत्काल रोक दिया गया। इससे जो बेईमानी हो सकती थी उसको तत्काल रोक दिया गया। मुझे इस बात की अभी तक संतुष्टि है कि जो 4 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई और साथ साथ जो दलाल इस काम में जुड़े हुए थे, लोगों को बरगला रहे थे, उनको ठग रहे थे और सरकारी धन को गबन करा रहे थे, दुरुपयोग करा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा लखीमपुर में 293 करोड़ की लागत से बने 3 फ्लाईओवर का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा भी लेते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने जिले में 250 करोड़ रुपए की 3 अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की और उन्होंने कहा कि सड़कों के विकास से ही देश का विकास संभव है। खबर कौशाम्बी से है, जहां राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में शामिल होने पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जबरदस्त विरोध हुआ, जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने काफिले का घेराव किया और साथ ही हमला करते हुए काला कपड़ा दिखाया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। वही काफिले पर हमले और विरोध के बाद पुलिस फोर्स ने बमुश्किल काफिले को आगे रवाना किया। गौरतलब है कि बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे स्वामी प्रसाद का सिराथू के करण चौराहे के पास विरोध किया गया। देखिए, आज दिनांक 4 फरवरी को थाना मंजनपुर क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन किया गया है, कुछ झंडे वंडे दिखाए गए हैं, पुलिस के द्वारा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बलिया से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले सहायक विकास अधिकारी भानु प्रताप और लिपिक रविंद्र गुप्ता को निदेशक समाज कल्याण ने निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले एक सहायक विकास अधिकारी पर गाज गिर चुकी है, वही अब तक गड़बड़ी करने वाले 15 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने बताया कि मामले में कई ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी चिन्हित किया गया है, जिन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो है लापरवाही हुई है और जिन्होंने सत्यापन किया था, जो खंड विकास सहायक खंड विकास अधिकारी एडीओ पंचायत या एडीओ समाज कल्याण जो हैं और सुपरवाइजर हैं, छात्रावास अधीक्षक हैं जो थे, उनको निलंबित कर दिया गया है।
इसमें FIR भी करवाई गई है, जिसमें कि कुछ जो बिचौलिए थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं और अभी जांच प्रचलित है। इसमें और भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। एडीए जो सरकारी कितने कर्मचारी हैं जो अभी फिलहाल 4 लोगों के नाम आए हैं, उन सभी लोगों को निलंबित किया जा चुका है। कितने लोगों के नाम आए सर? 2 एडीओ हैं, 1 बीडीओ हैं और 1 सुपरवाइजर थे, अधीक्षक थे छात्रावास के, इनको निलंबित किया गया है और भी जो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ FIR करवा के उनके निलंबन की थी। और दलाल किस्म के कितने लोग मिले हैं आपको? दलाल किस्म के जो लोग थे वो करीब बिचौलिए जिनको कहेंगे, वो 8 लोगों के करीब का नाम अभी आया है और उन सभी के खिलाफ FIR करके उनको जेल भेजा जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार गांवों से लेकर शहरों तक साफ सफाई पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन बलिया में साफ सफाई को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार फेल साबित हो रही है। जहां बलिया नगर पालिका की गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं शहर के बीचों बीच गलियों की हालत बद से बदतर है। गलियों की साफ सफाई से गंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार प्राइम टीवी पहुंचा रहा है। इन सड़कों पर सफाई कर्मियों के द्वारा कभी ऐसा लगता है कि सफाई हुई ही नहीं है। और बताया यह भी जा रहा है कि शहरों के बीचों बीच गलियों की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण भी धड़ल्ले से देखने को मिल रहा है। जबकि लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने से पहले चेयरमैन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अभी तक अवैध अतिक्रमण करने वालों पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और देखिए तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लगातार सरकारी धन का गबन किया जा रहा है, क्योंकि सफाई के नाम पर बलिया एकदम से जीरो होता हुआ नजर आ रहा है। गंदगियों का अंबार लगा हुआ है और ये गंदगी का अंबार लगातार बीमारियों को भी दावत देता हुआ नजर आया है। देखिए बलिया के नगर पालिका नरक पालिका बन गई। यहाँ चूंकि इसके पहले एक समाज सेवी हुआ करते थे और उन्होंने 30-35 लाख में शहर के जो 25 वार्ड है नगर पालिका के, उसमें से आधे वार्डों की सफाई कराते थे और आज पता ये चल रहा है कि 52 लाख रुपये में या 50 लाख रुपये में आधे ही वार्डों की सफाई की जिम्मा एक किसी कंपनी ने लिया है और कहीं सफाई नहीं हो रहा है। वो सारा लूट का अड्डा बना हुआ है, जितने विकास के पैसे आ रहे हैं वो सब लूटे जा रहे हैं। खबर ललितपुर से है, जहां सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना में पुलिस ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। दरअसल बीते शनिवार को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का रचयिता कोई और नहीं बल्कि खुद सराफा कारोबारी ही है, जिसने लूट की फर्जी घटना का षड्यंत्र रचा था। पुलिसिया खुलासे में उसने बताया कि ज्यादा कर्ज होने के चलते उसने लूट की घटना का ये झूठा षड्यंत्र रचा, वही झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में सराफा व्यापारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए इस सोनी ने एक सूचना दिया था कि उनके द्वारा बताया गया था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके जो है अपना सामान जो है वो बेचते हैं। जब ये वापस आ रहे थे तो इनके साथ जो है ज्वेलरी काफ़ी मात्रा में थी, लगभग इनके द्वारा बताया गया था कि 18 लाख के आसपास की ज्वेलरी जो है वो 2 बाइक पे सवार लोग थे, 4 लोग थे, उनके द्वारा ये घटना जो है वो की गई है। जैसे इनके द्वारा बताया गया था तत्काल इसमें जो है सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इसमें जो हमारी SOG की टीम है, सर्विलांस की टीम है, वो उसको 6 टीमों को हम लोगों ने इसमें लगाया था और लगातार जो है जो भी इनके द्वारा बातें बताई गई थी उसको हम लोगों ने CCTV कैमरे के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से जो है उसको भी हम लोगों ने कनेक्ट किया। उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा जो सूचना दी गई है वो गलत सूचना दी गई है। इनके साथ जो है कोई लूट की घटना जो है वो नहीं हुई थी, इनके द्वारा लूट का एक फर्जी जो है षड्यंत्र रचा गया था। अगली खबर औरैया से है, जहां रेलवे क्रॉसिंग से मांस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग के पास से 2 बोरियों में मांस मिलने के बाद हरकत में आए पुलिस ने सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मांस की बोरियां भेजने के बाद पुलिस ने सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेज दिए हैं, जबकि CCTV की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 3/2/23 को करीब 6:30 बजे शाम को अचंदा पुलिस को एक सूचना मिली कि जो कस्बा में चंदा कस्बा में एक रेलवे फाटक है, यहाँ पे 2 प्लास्टिक की बोरी संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पे तत्काल चंदा पुलिस द्वारा मौके पे जा करके इन दोनों बोरियों को कब्जे में लिया गया। इसमें देखा गया तो मांस भरे हुए थे।
मांस के टुकड़े की जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा आकर मौके से सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला मथुरा भेजा गया है। जो रिपोर्ट आएगी इसके अनुसार विधि कार्रवाई इस पर की जाएगी। क्योंकि ये रेलवे फाटक रेलवे पुलिस के अंतर्गत आता है तो इन्हें भी लिखित सूचना दे दी गई है और मौके पे जो भी सीसीटीवी फुटेज है इन्हें खंगाला जा रहा है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर में 9 साल के बच्चे की पीट पीट कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां अरौल थाना क्षेत्र के गजना गांव में बच्ची की सौतेली मां ने ही बेरहमी से पीट पीट कर बच्ची को मार डाला, जिसके बाद बच्ची का शव छत पर रखे कबाड़ में छिपा दिया, जिसकी भनक गांव वालों को हो गई और सैकड़ों लोग भी मौके पर जमा हो गए। वही घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी सौतेली मां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार भी कर लिया है। कानपुर में एक बार फिर दिखा बेटी के प्रति मां का कहर। कानपुर कमिश्नरेट अरौल थाना क्षेत्र के गजना गांव में रहने वाले अनीस की 9 वर्षीय मासूम पुत्री की उसी की सौतेली मां ने लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। आपको बताते चले कि अरौल थाना क्षेत्र में रहने वाला अनीस मजदूरी का कार्य करता था। अनीस की पहली पत्नी खत्म होने के बाद में अनीस ने फैजाना नाम की महिला से दूसरी शादी रचाई। शादी के बाद से ही फैजाना अपने पति की पहली पुत्री रिहाना से जलती थी, उसे रास्ते से हटाने के लिए सोचा करती थी। आज मौका मिलते ही फैजाना ने 9 वर्षीय मासूम रिहाना को लाठी डंडों से पीटकर छत पर जमा मोरंग के ढेर में छिपा दिया। ग्रामीणों ने शक के चलते ग्राम प्रधान को सूचना दी। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मिल करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच कर रिहाना को मोरंग के ढेर से बाहर निकाला और अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने रिहाना को मृतक घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां फैजाना और पिता अनीस को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कानपुर से प्राइम टीवी न्यूज के लिए आशीष कुमार। खबर ललितपुर से है, जहां डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी हो गई थी। वही चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने शत प्रतिशत की बरामदगी कर ली है और इस दौरान प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया था कि उनके जो घरेलू जो एड देने वाले व्यक्ति है उनके ऊपर उनको डाउट था कि इनके द्वारा घटना जो है वो की गई है। लगभग उन्होंने बताया था कि 40 लाख के आसपास की चोरी जो है वो हुई है उनके घर पे। ऐसी सूचना मिली थी, तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 3 टीमें जो है वो बनाई गई थी। उसके बाद इसमें जानकारी ये प्राप्त हुई कि इसमें 4 लोग थे इस चोरी को करने में, जिसमें मुख्य रूप से उनके घर पर जो घरेलू नौकर थे उनका मेन रोल जो है जो प्रकाश नाम के हैं उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था। इसमें जो डॉक्टर साहब के यहाँ जो कंपाउंडर थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था, जो वहाँ पे चौकीदार हैं उसको भी शामिल किया गया था और अपने साले साहब को भी इसमें शामिल किया गया था इस पूरे षड्यंत्र में, और इनके द्वारा चोरी करके यहाँ से ये फरार हो गए थे। उसके बाद जो है पुलिस की टीमों के द्वारा लगातार प्रयास करके इसमें से 41 लाख लगभग 59,000 रिकवरी जो है वो की गई है और इस चारों जो व्यक्ति हैं जिसमें प्रकाश है, फूलचंद्र है, दीपक कुशवाहा है और भजन कुशवाहा है, इन चारों को अरेस्ट करके जो है वो जेल भेजा गया। खबर अमरोहा से है, जहां 3 दिन से प्रेमी युगल लापता था। वही संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लड़की और युवक के शव फांसी के फंदे पर लटकते मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल एक ही गांव के रहने वाले थे। वही लड़के के घर वालों का आरोप है कि लड़की के घर वाले ने अपहरण कर लिया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज तीसरा दिन गायब करा है, आज तीसरा दिन गायब करा है और जो है ना जैकेट ना कोई कपड़ा ना कोई लत्ता पैर ना रखे, बस एक लोवर एक बलियान। कि 3:30 बजे तक घर हैं, 3:30 बजे तक घर है। मेरी नंद का लड़का पैदा होया है 3 बजे, वहाँ से फोन आया है, बात करिए मेरी नंद से। मैंने कही है राजू बात कर लो मेरी नंद से, तुम भी फ़ोन करो। हमने भी करा, उन्होंने फ़ोन करा है तो बोले सुबह को संभल जाना पड़ेगा। मेरे के हाँ संभल, उन्होंने बात हुई है तो संभल चलेंगे सुबह। 3:30 बजे के बाद में हमने जब देखा है तो हमारा राजू खाट पर ना है। फ़ोन भी हुई मिला है हमें,
जैकेट में वही मिली है, जूता दोनों जोड़ी हुई मिले हैं। अब साफ पता ना कि कैसे उठा कर लोरिया को लेकर जाते हैं। ये मरने का पता चला के ये आज पता चला है आज। खबर जौनपुर से है, जहां बीते दिनों बेखौफ बदमाशों ने स्वर्ण व्यापारी महेंद्र सेठ के घर पर धावा बोलकर नकदी समेत लाखों के आभूषण की चोरी कर डकैती की है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वही घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। गौरतलब है कि स्वर्ण व्यापारी की पत्नी को बदमाशों ने चाकू के बल पर बंधक बनाकर बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए थे और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार से राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और विधायक रमेश सिंह ने मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी लल्लंग उर्फ सिराज खान और उसके बेटे फराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से दोनों ही आरोपी गाड़ी और राइफल छोड़कर फरार हो गए थे। वही पुलिस हिस्ट्री शीटर लल्लंग के ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गांव में जमीनी विवाद के चलते हिस्ट्री शीटर लल्लन उर्फ बेटे सिराज ने अपने बेटे फराज खान, साथी फुरकान और ड्राइवर अशरफी के साथ मिलकर अपनी भतीजी फरहीन, उसके बेटे हंजला और चचेरे भाई मुनीर उर्फ ताज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद दोनों ही मुख्य आरोपी सरेंडर करने के फिराक में घूम रहे थे। वही अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिणाम ये हुआ कि अभियुक्तगण अपनी थार गाड़ी और राइफल जो कि यूज किए थे घटना में वो छोड़ करके भाग गए। एक अभियुक्त अशरफी उसको भी तत्काल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई और पुलिस की कुल 5 टीमें गठित की गई अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना माल, मलिहाबाद, रहीमाबाद, काकोरी और दुबग्गा, इनकी 5 टीमें गठित की गई। पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम और सेंट्रल जोन की भी क्राइम ब्रांच टीम लगाई गई ताकि अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके। तत्काल अभियुक्तों के परिजन और एसोसिएट्स इनको हिरासत में ले लिया गया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई, ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को। ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है। अगली खबर मथुरा से है, जहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां चोर लगातार घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और ये ताजा मामला मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वही घटना के 70 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। आपका क्या नाम है? कन्हैया। कन्हैया तो काखंड आपको पता पड़ी? ये लगभग मान लो तुम 5:30-6 बजे लगभग। क्या क्या सामान गया है? सामान क्या है साहब, कल्ले में से पैसे गए, 2-3 डिब्बों में पैसे रखता था मैं, 2-3 पैसों से निकाल के ले गए। लगभग कितना पैसा था? लगभग होगा 15,000-20,000 रुपए के आसपास। तो सामान भी है। आपने रिपोर्ट करा दी? ओके भैया, देखो ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशन खेड़ा, निकट CHC पूर्वा, उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।